सस्ता वर्ल्ड। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू हर्ष गेम्स। सो गाइस, जैसे कि सभी लोग को याद होगा इसकी पिछले वाले एपिसोड में हमने अपने हाउस को अपग्रेड किया था और भाई हमने छत के ऊपर बनाई थी हमने नेदर पोर्टल। और गाइस मैंने कहा था अगले एपिसोड हम जाएंगे नेदर पोर्टल के अंदर। आज गाइस हम जाने वाले हैं नेदर पोर्टल के अंदर। और गाइस देखते गाइस हमें वहाँ पे कुछ क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। बाकी तो गाइस मैं काफ़ी ज़्यादा तक एक्साइटेड हूँ। और गाइस यार मैं तलवार क्यों फेंक रहा हूँ। सो गाइस अब हम जाने वाले हैं नेदर पोर्टल के अंदर। और गाइस देखते हैं हमें क्या कुछ देखने को मिलता है वहाँ पे। सो कि गाइस यहाँ पे गाइस ये लोडिंग हो रही है। और भाई साहब ये कैसे दुनिया में आ गया। बाकी तो गाइस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरह के भाई मुझे यहाँ पे स्टोन वगैरह दिखाई दे रहे हैं। इन्हें फटाफट से कलेक्ट कर लेते लेकर जाएंगे अपनी दुनिया में। देखते हैं गाइस वहाँ पे जाके कैसा लगेगा, या फिर डेकोरेशन वगैरह में काम आएंगे या फिर किसी और चीज़ में। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पे थोड़े बहुत स्टोन वगैरह तोड़ लेता हूँ जो कि गाइस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है और बड़े लग भी रहे हैं। बाकी तो गाइस ये जगह काफ़ी ज़्यादा तक डरावनी है। नीचे देखो भाई लावा ही लावा है। और भाई ये अलग अलग तरह के जानवर वगैरह जा रहे हैं जिनकी शक्ल आधी सूअर जैसी है। बट मैं किसी से फाइट नहीं लेना चाहता, मुझे मैं नहीं चाहता भाई मैं यहाँ पे मर जाऊँ और भाई यहीं पे खो जाऊँ। ठीक है, सो गाइस मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अपना काम करूँगा और भाई यहाँ से चला जाऊँगा। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे गाइस मैंने काफ़ी सारा यहाँ पे कलेक्ट करना शुरू कर दिया। और गाइस बहुत सारा कलेक्ट करने वाले हैं क्योंकि गाइस क्या पता है इसकी काफ़ी सारी ज़रूरत पड़ती है। और बाकी गाइस अगर आप लोग को पता है ये किस काम आता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। फिलहाल तो मैं इसे यहाँ पे तोड़ लेता हूँ, देखता हूँ गाइस क्या कुछ काम आने वाला है ये वाला जो ये स्टोन है। बाकी तो गाइस मुझे कुछ खास लग नहीं रहा। और भाई साहब आगे की ओर एक और तरह का स्टोन आया है। भाई ये क्या निकला इसके अंदर से वाइट से कलर में, चलो इसे कलेक्ट कर लिया जाए। और भाई साहब ये नई रेसिपी निकल के आ गई कुछ। ठीक है, नेदर क्वार्ट्ज भाई कुछ अलग ही चीज़ है भी। और भी है भाई साहब, इन्हें भी तोड़ लेता हूँ फटाफट से। कुछ खास चीज़ लग रही है मेरे को तो वैसे ये, क्योंकि मैंने आज तक कभी ये चीज़ देखी नहीं, कभी नेदर में किया ही नहीं है। ठीक है, ओके गाइस ये रही भाई, मैं फटाफट तोड़ लेता हूँ। भाई साहब कितने सारे यहाँ पे, ये इनकी कोई कमी नहीं है, शायद इनसे कुछ बनेगा शायद से। फिलहाल तो गाइस मैं इससे ये सामान वगैरह कलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और घर जाके देखेंगे इस क्या कुछ कर पाएंगे इस काम। ठीक है, फिलहाल तो गाइस यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाए और काफ़ी सारा कलेक्ट हो चुका है मेरे पास। और भाई साहब और भी करना बाकी है क्योंकि गाइस हमारी लालच काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाली है। ठीक है, सो गाइस अभी हम थोड़ा और देख लेते हैं गाइस क्या कुछ मिल रहा है यहाँ पे हमें। ठीक है, कुछ नया मिल जाएगा क्या पता भाई। ये वाले स्टोन भी अलग ही लग रहे हैं मुझे, वुड है क्या कुछ और चीज़ है पता नहीं क्या है गाइस, बट इसका कलर रेड है और ये खतरनाक लग रही है दिखने में। और भाई साहब ऊपर की चमकीली चीज़ है भाई, बहुत ही ज़्यादा चमक रही है, इसे भी तोड़ना पड़ेगा। और गाइस ये यहाँ का शायद पेड़ है। और गाइस काफ़ी ज़्यादा अजीब पेड़ है ये। हाँ ये पेड़ ही है बट काफ़ी ज़्यादा अजीब है, इसकी वुड तोड़ ली जाए। देखते हैं गाइस क्या कुछ कर पाएंगे हम अपनी दुनिया में लेके जाकर। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया इसमें क्योंकि कभी नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे ये फटाफट तोड़ लिया जाए और फिर भाई उस चमकीली चीज़ को भी तोड़ेंगे जो गाइस ऊपर लगी हुई है। मुझे नहीं पता गाइस क्या चीज़ है वो। हाँ ठीक है, सो गाइस फटाफट से यहाँ पे इस बार इसकी वुड तोड़ लेते हैं गाइस जो काफ़ी ज़रा अजीब है, बट वुड तो वुड है। और गाइस ये काफ़ी ज़रा अलग ही लग रही है मेरे को तो, क्योंकि गाइस मैंने इस तरह कभी नहीं देखी। सो के गाइस अब हम यार उस चमकीली चीज़ को तोड़ने जा रहे हैं गाइस। देखते गाइस ये चमकीली चीज़ हमें मिलती है या फिर नहीं। सो के गाइस यहाँ मैंने तोड़ना शुरू कर दिया और गाइस मुझे मिल भी गई है चमकीली चीज़। और गाइस यहाँ पे सिर्फ मुझे दो ही स्टोन मिले हैं इसके, जो भी कहो ये दो ही है इसके चमकीली चीज़। और भाई साहब मुझे ये फटाफट से मिल चुके गाइस जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी बात नहीं है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बात है। ठीक है, सो के गाइस उन लोग को बता दूंगा इस जब वहाँ पे भाई कलेक्ट कर रहा था सामान। सो गाइस वहाँ पे एक सुअर जैसा बंदा है जिसे पिगलिन कहते हैं, उसने मुझे मार दिया। अब गाइस मैं यहाँ पे आके स्पॉन हुआ, मतलब बच के आया हूँ। और यहाँ पे गाइस मैं फटाफट से जाकर गाइस अपना सारा का सारा सामान लेने जा रहा हूँ। और गाइस देखते गए मिल नहीं पाता या फिर नहीं। सो गाइस मिल रहे तो भाई सारा का सामान ऐसे ही गिरा हुआ भाई साहब, मतलब इस सुअर बंदे ने बिना बात से मुझे मारा भाई साहब। मेरा कुत्ता यहाँ पे कर रहा है, नहीं मेरा वहम हो गया यहाँ पे कोई और भी तो कुत्ता हो सकता है, क्या पता भाई यहाँ पे भी कुत्ते होते हो। बाकी तो गए हम घर की तरफ चलते हैं। सो गाइस अभी तो मैं घर के अंदर आने के बाद फटाफट से आर्मर पहन लिया जाए क्योंकि इस आर्मर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है पहनना। और भाई साहब वहाँ पे तो मेरा पोपट ही हो गया भाई साहब, मतलब मैं वहीं पे जाके मर गया भाई साहब बिना बात से। पिगलिन ने मुझे मारा। और भाई जो लोग जो लोग कहते हैं ना भाई पिगलिन बिना बात से नहीं मारता, बट भाई वो मारता है, उसने आज मुझे मारा बिना बात से। भाई मैं सिंपली अपना काम कर रहा था भाई, तुम लगता है मैं उसे मारूंगा, शायद मार भी सकता हूँ बट मुझे पता है यार मैंने नहीं मारा उसे।
पता नहीं भाई कैसे मारने लगे, मुझे खुद से ही मारा उसने, बट मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं मारा था और उसने मुझे खुद से ही मारना शुरू कर दिया। बाकी दो गाइज ने यहाँ पे फटाफट आर्मर पहन लिया है और गाइज नीचे की तरफ चलते हैं। गाइज मैं ऊपर से ही कूद रहा, वहाँ पे सीढ़ियाँ तो लगी थी, चलो कोई बात नहीं, बहुत ही ज़्यादा जल्दी में हूँ गाइज मैं, क्योंकि गाइज अभी मुझे सोना भी, और गाइज तुम लोग को पता है भाई ज़ॉम्बीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा तंग करते हैं रात को, और पिलेजर वगैरह से तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है गाइज, क्योंकि पिलेजर काफ़ी ज़्यादा जल्दी हेल्थ ले जाता है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है ये सब कुछ ज़ॉम्बी वगैरह। अभी तो बस फटाफट जाके बेड पे सोने वाला हूँ मैं, और गाइज अगली मॉर्निंग में मिलते हैं आप लोग को अगली सुबह में, ठीक है। सो गाइज गुड मॉर्निंग गाइज, अब गाइज मुझे पता लग गया गाइज ऐसा क्या हुआ है वहां पे। सो गाइज मेरे कुत्ते सच में गाइज ऊपर ही रह गया है। सो गाइज अगले एपिसोड में मेरे कुत्ते को लेके देने जाएंगे वहां से। सो गाइज तब तक के लिए बाय बाय, लेट्स गो। पागल तक के मैं कुत्ते को खता दूंगा, पबजी खिला दूंगा, नाच के दिखा दूंगा, मजे करा दूंगा, नशे करा दूंगा, सबको हिला दूंगा।